ब्रह्मपुर उड़ीसा का एक बहुत ही सुंदर शहर। यहाँ से आप गोपालपुर सी बीच जा सकते हैं और पाइन फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स और हिल स्टेशन का भी बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए भी जा सकते हैं। उड़ीसा भारत का ऐसा एक राज्य है जहाँ आप प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, सितंबर महीना का बस और कुछ ही दिन बचा। इसका मतलब सामने दुर्गा पूजा आने वाला है और इस समय काशफूल ना मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। ब्रह्मपुर से जाते वक्त रास्ते में ऐसा फूलों का शोभा भरपूर देखने को मिला और चलते चलते लग रहा था कि माँ दुर्गा जल्दी ही आने वाला है। दोस्तों, व्यापक रूप से ओडिशा के कश्मीर के रूप में जाना जाता है ये दरिंगबाड़ी। यहाँ हेक्टर में फैले हुए कॉफी गार्डन को विशेष मान्यता मिली है। चारों तरफ हरियाली और हरियाली, ऊपर से अभी बारिश का सीजन है। आप समझ रहे होंगे प्रकृति का क्या नजारा होगी। कंधमाल जिले में समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिल स्टेशन दरिंगबाड़ी। यहाँ कॉफी गार्डन के पास में पाइन फॉरेस्ट है। ये जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट प्लेस है। दोस्तों, अभी हम जाएंगे मिडुबंडा वाटरफॉल्स। बहुत ही खूबसूरत ये वाटरफॉल्स है।
दोस्तों, दारिंगबारी में एमू बर्ड का एक छोटा सैंक्चुरी है और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इनका जो मालिक है उन्होंने एक रिजॉर्ट भी हाल ही में बनाया है। तो आइए देखते हैं और उनसे सुनते हैं इसके बारे में। पहले यहाँ 10 एमू थे। लॉकडाउन के कारण इनका सही फूड ना मिलने से कुछ बर्ड मर गए, बाकी कुछ सिर्फ अभी हैं। पानाशिया इकोरेस्ट। पानाशिया। अच्छा, ये नया बनाया है पूरा? सर, नया बनाया। तो यहाँ से दारिंगबारी में मेन स्पॉट तो कितना दूर है, मतलब पड़ेगा टूरिस्ट आएगा तो? सर, दारिंगबारी से 15 किलोमीटर 10 मिनट का रास्ता है। गाड़ी तो आ सकता है, रास्ता तो अच्छा है। तो एनएस का आएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये क्या डिफरेंट कंसेप्ट है, ये कोई होटल या लॉज नहीं है, ये बिल्कुल रिसोर्ट है बेसिकली। और इसमें हम कई सारे एक्टिविटीज दे रहे हैं, खाली आके आपको रूम में रख के आपसे पैसा का कोई ये नहीं। हमारा मोटो है हॉस्पिटलिटी, ऐसा आपको अच्छा सर्विस दे पाएंगे तो उसका हमारा फोकस है। इसमें हमारा बहुत सारा एक्टिविटीज है, जैसा अभी देखिए चिल्ड्रंस पार्क है, पार्क है, फिर आपका ओपन जिम है, और कई सारी इंडोर गेम्स दे रहे हैं, बैडमिंटन भी दे रहे हैं, और साइकिल हमारा इधर पार्क बना हुआ है। अच्छा, टीवी फीवी का सब बंदोबस्त है? सब सर, इनसाइड का। गर्मी में मैं ये रिजॉर्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ये जगह देखने के बाद अच्छा लगा। ये केवल मेरा विचार है। इस रिजॉर्ट का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक एक टेंट का क्या रेट है, बिस्तर से थोड़ा बताइए डिटेल में। ये आपका थ्री बेड कॉटेज है ना, ये जो अभी जो मैं देखा, इसका हमारा बहुत सारे प्लान्स है सर। जैसा ईपी में खाली कॉटेज रहते हैं, इसका 3000 प्राइस रहता है। और आपका अगर आप सीपी में ले रहे हैं, यानी विथ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो उसका कॉस्ट आएगा आपको 4000 जैसा आएगा। उसमें सुबह से लेके शाम तक आपका मिनरल वाटर बोतल रहेगा, फिर आपका रहेगा टी कॉफी रहेगा, और ब्रेकफास्ट रहेगा, फुल बफेट ब्रेकफास्ट देते हैं, यानी फुल उसमें स्वीट्स रहता है, फ्रूट्स रहता है, कॉम्प्लीमेंट। बाकी खाली जो डिनर एंड लंच का चार्ज रहेगा उसका, और इवनिंग में भी स्नैक्स देंगे और टी कॉफी देंगे, सूप भी मिलेगा आपको। ओके, उसका प्राइस लेके 4000 आता है। अगर ऑल मील प्लान लेंगे उसका 5000 आता है। और लंच डिनर में आपका 2 times नॉन वेज आएगा, और वेज में पनीर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, कई सारे, और सलाद फलाड पापड़ वो तो सब रहता है। पर सर्विस के लिए किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगा? कोई शिकायत नहीं सर। ओके फाइन। तो कितना दिन हुआ ये किया आप? वन ईयर हुआ सर। सिर्फ 1 साल हुआ सर, जस्ट दिसंबर जनवरी 2 महीना बिजनेस हुआ था, उसके बाद तो कोरोना में बंद हो गया था सर। अभी फिर जुलाई से खुला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ड्रिंकिंग कॉफी, टेकिंग अ शो विद यू, ब्रशिंग, इवन गेटिंग। दोस्तों, हिल व्यू पार्क बहुत अच्छी जगह है फोटोग्राफी के लिए। हॉकिंग, सेइंग सी यू लेटर, ड्रीमिंग। शानदार फोटोग्राफी के लिए ये जगह जाना जाता है। आपको ये वीडियो देखने से जरूर ये महसूस होता होगा। दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट होंगे जहाँ पे प्रकृति के ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला यहाँ। इसी जगह को लोग लवर्स पॉइंट बोलते हैं, और जगह देखने के बाद हमको लगा इसका नाम सही रखा गया, लवर्स पॉइंट। मॉर्निंग
दोस्तों, आज इस वीडियो का पहला भाग यहाँ पे खत्म होता है। दूसरी भाग में और भी शानदार जगह हम दिखाएंगे। आप लोग दरिंगबारी वीडियो बहुत देखे होंगे, पर इस वीडियो में हमने ट्राइबल विलेज डांस जोड़ के इसको और मजेदार बनाने की कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।